Hi Vichavari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. And oh my god, I missed this so much. <laughs> yeah Our YouTube channel is a place. Um, it's like a home to me.

का सैलर थोड़ा सा छोटू सा प्यारू सा रिव्यू करेंगे इसका, अगर आपको चाहिए पेपर तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो अगर हम पेपर को देखें तो पेपर 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 तीन घंटे का होने वाला है तो बिल्कुल आपके सीनियर्स की तरह नहीं है उन्होंने तीन घंटे का पेपर नहीं दिया था अस्सी नंबर का आपका पेपर है रीडिंग स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो बीस नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन आने वाला है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बिल्कुल हल्के में लेने का नहीं रीडिंग uh, स्किल्स आपकी 20 नंबर की आएगी 10-10 नंबर -10 के दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपका फैक्चुअल नहीं है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है कुछ इतने सारे फैक्ट्स इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं एक चीज जो कि एक चेंज है बिकॉज आई थिंक सीबीएसई ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो लॉन्च किया था और उस स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो आने वाले जो पेपर है ये साल का जो पेपर है उसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के अंदर एमसीक्यूज डालने वाले हैं उन्होंने बिल्कुल रीडिंग सेक्शन के अंदर एमसीक्यूज डाले हैं बट जो थोड़ा सा अलग है वो ये ना ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके लिए आपको ऑप्शन नहीं दिए गए है सो so, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर जो भी बच्चों ने ऐसे सोचा था या अभी तक सारी प्रैक्टिसेस कर रहे थे वो एमसीक्यूज को लेकर बिल्कुल अब रीडिंग सेक्शन के अंदर एमसीक्यूज के साथ साथ में आपको प्रिपेयर करने चाहिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डोंट नो कि किस एक्सटेंट तक ये अच्छी या बुरी खबर है बट आई थिंक हम दोनों ही कर लेंगे आई थिंक ऐसा हो गया कि मेरे पुराने वाले सिंबाज ने कहा कि हम क्यों ऐसे बुक थे मतलब अभी हम लोगों ने एमसीक्यूज भी दिए सब्जेक्टिव भी दिए ये सिर्फ एमसीक्यू क्यों दे रहे हैं तो आई थिंक उनकी नजर आप लोगों को लग गई है बट कोई बात नहीं अच्छी बात है आप भी सौ में से सौ बिल्कुल लेकर आओगे सो so, यहाँ पर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं वोकैबलरी क्वेश्चन भी प्रेजेंट है तो जो लोग सोच रहे थे वो नहीं आएगा वो कैबलरी क्वेश्चन भी प्रेजेंट है रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी प्रेजेंट है यहाँ पर um, uh, देन आपके बेसिक जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं एल गिव यू इसका पूरा का पूरा अगर हम लोग देखेंगे एकदम डिटेल एनालिसिस भी मैं आपका आपके लिए इसका करूंगी बट येस yes, आपको दस क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये दस क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं दस नंबर के लिए दूसरा वाला जो आपका पैसेज है वो पैसेज आपके लिए पूरा केस बेस पैसेज आया है जैसे कि सीबीएसई ने प्रॉमिस किया था तो ये बिल्कुल केस पैसेज है यहाँ पे टेबले वेबले काफी सारी चीजें आपको देखने को मिली है आप अगर यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी सेम चीज है आपको अलग तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एक बहुत ही अलग तरीके का क्वेश्चन है कि आप अग्री करते हो या नहीं सो ट्रू फॉल्स या नॉट गिव इनमें से आपको सेलेक्ट करना है एंड देन इसके बाद में आपको यहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं सो so, एक कॉम्बिनेशन है एमसीक्यूज़ और सब्जेक्टिव का पूरे के पूरे रीडिंग सेक्शन के अंदर अगेन यहाँ पर भी आपको थोड़े रीजनिंग वाले क्वेश्चन थोड़ा वोकेबलरी इन सब का देखने को मिला है अगर हम क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं तो आपको पहले क्वेश्चन के अंदर पांच नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है शॉर्ट कंपोजिशन का ये क्वेश्चन है शॉर्ट कंपोजिशन के क्वेश्चन के अंदर आपसे नोटिस पूछा जाएगा दोनों ऑप्शन के अंदर नोटिस है नोटिस इज अ कंपलसरी क्वेश्चन अप्राण जाए पर नोटिस ना जाए नोटिस तो कर ही जाना है क्योंकि दोनों ऑप्शन के अंदर आपके पास में नोटिस है ये आपको करना है पांच नंबर के लिए तो शॉर्ट कंपोजिशन में ये क्वेश्चन आएगा और एक और शॉर्ट कंपोजिशन का क्वेश्चन डाला है अगेन आपको दो ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं एक कोई भी इसके अंदर से करना है ये वाला आपके इनविटेशन एंड रिप्लाई से है जिसमें अगर हम एक क्वेश्चन देखते हैं तो इस एक क्वेश्चन के अंदर आपको इनविटेशन रिसीव हुआ है सो so, क्योंकि आपको इनविटेशन रिसीव हुआ है आपको रिस्पॉन्ड करना है एक्सेप्ट करना है उस इनविटेशन को जबकि दूसरा वाला जो है इसके अंदर आपको इन्विटेशन खुद बनाना है सो so, आपने देख लिया कि यहाँ पर मुझे दोनों जो है वो कहीं ना कहीं आने चाहिए अच्छे से क्योंकि इससे मैं टॉपिक के बेसिस पे सेलेक्ट कर पाऊंगी सो so, हम ये समझ चुके हैं कि शॉर्ट कंपोजिशन को हल्के में नहीं लेना है प्रॉपर दस नंबर का शॉर्ट कंपोजिशन है अगर आप नोटिस को हल्के में लेते हो आप बिल्कुल बंद कर दो यहाँ पे अगर आपने नोटिस पे फोकस कर लिया सीधे सीधे फोकट के पांच नंबर आपको मिल जाएंगे सेम गोज फॉर इनविटेशन। बाय द वे अच्छा इसके साथ में अगर हम लोग देखते हैं तो वी हैव यस इसके बाद में हम लोग ने देखा है क्वेश्चन नंबर थ्री आपके पास में आया है ये क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर भी आपको ए और बी गिवन है ये वाला आपके लेटर uh, राइटिंग से आया हुआ क्वेश्चन है लेटर राइटिंग के अंदर आपके पास में uh, तीन ऑप्शंस हैं आपको एक तो है आपको एक दिया हुआ है लेटर टू द एडिटर देन आपको एक लेटर दिया हुआ है जॉब एप्लीकेशन वाला एक आपको लेटर जो है वो दिया हुआ है बिजनेस लेटर तो ये तीन आपके लेटर्स आ रहे हैं हाउएवर अगर हम पेपर को देखते हैं तो पेपर के अंदर आपको एक लेटर जो है वो देखने को मिल रहा है लेटर टू द एडिटर सो इट्स राइट लेटर टू नेशनल डेली वाला हमारा क्वेश्चन आ चुका है एंड आपको यहाँ पर विजुअल क्लूज भी दिए जा रहे हैं हम कर सकते हैं कि एग्जाम के अंदर भी कुछ तरीके के हिंट्स जो है वो दिए जा सकते हैं देन इसके बाद में आपके पास में दूसरा ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वो है जॉब एप्लीकेशन जिसमें आपको एडवर्टीजमेंट का हिंट यहाँ पर पूरा दिया हुआ है इसको यूज करके आपको जॉब एप्लीकेशन बनाना है लेट मी टेल यू कि इसके साथ साथ में आपके पास में बिजनेस लेटर्स भी अवेलेबल है ना बिजनेस लेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस लेटर्स करके जाने चाहिए या नहीं अब क्योंकि हम लोग एक ही क्वेश्चन के लिए तीन टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है इवन इफ यू स्किप वन एक ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि आप जो पढ़ के जाएंगे उनमें से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल बनेगा ही बनेगा तो uh, आप फॉर दैट मैटर्स स्किप भी कर सकते हो मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगी की तीनों टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाओ यू नेवर नो ने का क्या गुबली होता है देन uh, इसके बाद में अगर हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर फोर अगेन अच्छा ये फाइव मार्क्स का है सो लेटर राइटिंग भी फाइव मार्क्स में आ रहा है एंड देन आपको पांच नंबर के अंदर मिल रहा है लॉन्ग कंपोजिशन भी सो लॉन्ग कंपोजिशन के अंदर आपके पास में दो ऑप्शन है एक ऑप्शन के अंदर आपके पास में है

एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा बुरी लग रही है वो ये है कि कैसे हमने शॉर्ट कंपोजिशन और लॉन्ग कंपोजिशन को सेम मार्क्स दिए हैं ये थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट कंपोजिशन में कहीं ना कहीं हमें कम टाइम लगता है इन कंपेरिजन टू लॉन्ग कंपोजिशन इतना टाइम इतना आइडिया इतना फ्रेमिंग सब कुछ लगाकर अगर सिर्फ पांच नंबर आपको मिल रहे हैं तो काफी डिमोटिवेटिंग होता है बट देन दैट इज ए देन uh, इसके बाद में आपको सेक्शन सी लिटरेचर देखने को मिल रहा है अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ एक्सट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे दैट मींस आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज की प्रेपरेशन अभी भी करनी है लिटरेचर में से एमसीक्यूज अभी भी आ रहे हैं सैंपल पेपर ने वो चीज क्लियर कर दिया है सो so, अभी आपको जो स्टैंड लोन एमसीक्यूज पे आप फोकस कर रहे थे वहां से फोकस हटा के एक्सट्रैक्ट बेस एमसीक्यूज पे लगाना चाहिए एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू स्टैंड सी और एमसीक्यू से बहुत डिफरेंट हो सकते हैं वेरियस कॉन्टेक्ट में सबसे पहला तो यही हो सकता है क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रैक्ट गिवन होता है तो वहां से जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा ही नहीं आएगा जो ऑलरेडी एक्स्ट्रैक्ट में होगा वो कैबलरी वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं इसमें से रीजनिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं थीम उठ के आ जाता है जिसका एक्स्ट्रैक्ट से कोई लेना देना ही नहीं होता तो इसके लिए वैसे वाले क्वेश्चन का प्रेपरेशन होना चाहिए यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो रोड साइड स्टैंड से दिया हुआ है So, ये आपका पोम में से एक क्वेश्चन आया और इसमें से लगभग आपको पांच आई ऐसा क्यों कर रहे हो बस यार ये आज ही हो जाएगा क्या सब कुछ सो so, रोड साइड में से छह थिंक आपसे पूछे गए हैं सो जस्ट वन थिंग आपने छ के छ क्वेश्चंस करने हैं तो आपको कोई भी एक करना है एक्स्ट्रैक्ट इनमें से और छ के क्वेश्चंस आपको करने हैं छो तो ये एक एक वाला क्वेश्चन आपके रोड साइड स्टैंड का छह क्वेश्चन इसमें से आए हुए एंड देन इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी का है इसमें से भी आपको छह क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपके पास में ये चॉइस है तो एक क्वेश्चन आपके पोम से आएगा तो पोम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको ऐसे नहीं छोड़ के जाना है दूसरा क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक्स्ट्रैक्ट देखने को मिला है जिसमें एक आपका एक्स्ट्रैक्ट ऑन द फेस ऑफ इट का दैट मींस हमने विस्तार से उठाया है सो ऑन द फेस ऑफ इट से अगेन इसमें चार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे सो so आपके पॉर्म से छह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपके जो हम लोग प्रोज सेक्शन देखें तो उसमें से चार क्वेश्चन आए हैं आपके एमसीक्यूज वाले अच्छा इसके अंदर एक दिक्कत ये भी है कि यहाँ पर आपको एक फिल इन द ब्लैंक भी दिया है तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू ही आएगा आई थिंक ये सीबीएसई यहाँ हिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा रेडी होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर भी देखो एक नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आया है एमसीक्यू uh, नहीं आया सो यू शुड बी फॉर दैट इसके बाद में अगर हम देखें तो और वाले या फिर ऑप्शन के अंदर अंदर जर्नी टू तो दी, दी अर्थ का क्वेश्चन आया है जर्नी टू दी एंड ऑफ अर्थ अगर मैंने पेपर देखा था तो सबसे पहले यही नोटिस किया था कि जर्नी टू एंड ऑफ दी अर्थ से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं काफी सारे नंबर के पूछे गए हैं काफी सारे तो नहीं तो चार नंबर का आपसे यहाँ पे जर्नी टू तो दी एंड ऑफ द अर्थ का क्वेश्चन पूछा गया है और इसके बाद में आपको अगेन दो एक्स्ट्रैक्ट दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक एक्सट्रैक्ट करना रहेगा आपको बता देती हूँ कि इस बार एक्सट्रैक्ट के अंदर छ क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिर से पहला क्वेश्चन इसके अंदर जो पूछा गया है वो पोएट्स एंड पैनकेिक से पूछा गया है अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो अभी वापस से इंट्रोड्यूस हुए हैं चैप्टर्स उन से आया है सबको so, पता है कि दो सालों से सेम सिलेबस चले जा रहा है बट अभी फिर से सीबीएसई ने आपके लिए वो सारे चैप्टर्स जो शायद मैं पढ़ा करती थी जब मैं ट्वेल्थ में थी उन्हें इंट्रोड्यूस कर दिया है ऐसा नहीं है इनफैक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी से पहले भी ये चैप्टर्स थे सो so, उन्हें इंट्रोड्यूस कर दिया तो पोएट्स एंड पैनकेक्स उनमें से एक है इसमें से डायरेक्ट छ क्वेश्चन आ गए uh, अगर इसके ऑप्शन के अंदर हम देखते हैं तो इसके ऑप्शन के अंदर द इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारे लिए एक ऐसा हिंट है कि हम लोग एकदम से नए वाले चैप्टर्स को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। एक ऐसा होता था कि पहले हम लोग को पूरा का पूरा बुक करके जाना होता था और उसके एडिशन के अंदर हम नॉवल भी करते थे तो क्या होता था कि हम लोग कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स करके जाते थे जिनके चांसेस आने के बहुत ज्यादा होते थे क्योंकि हमें लगता था कि ऑप्शंस में बाकी सारे तो हम स्किप कर सकते हैं अब जो है सीबीएसई ने जिस तरीके का पैटर्न बनाया है आप यहाँ एक्सट्रैक्ट में से किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते हो मतलब अगर आप नए वालों में से नहीं पढ़ के आए हो तो कहीं ना कहीं सीबीएसई बी ऐसा है ना आई कैच यू ऐसा वाला सो so, वो रह रहा है सो द इंटरव्यू यहाँ पर आ गया है अगेन नया चैप्टर है इसके अंदर भी आप देखोगे कि एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव दोनों दिए हुए हैं एंड uh, थोड़े क्वेश्चंस भी थोड़े टेढ़े हैं अगेन इसका एक डिटेल्ड uh, वो हम लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर तो हमें पता चल जाएगा डी कर लेंगे सीबीएसई को इसके बाद भी फिफ्थ क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको छह क्वेश्चन दिए जाएंगे पांच क्वेश्चन करने हैं लास्ट लेसन माय मदर एट सिक्सटी सिक्स से आया है लॉ स्प्रिंग कीपिंग क्वाइट द रैट ट्रैप और आंट जेनिफर्स टाइगर क्वेश्चंस बने हैं दो दो नंबर के क्वेश्चन है पांच क्वेश्चन आपको करने हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर आपको केवल दो ही क्वेश्चन करने हैं दो दो नंबर के हैं तो आपको सात ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो दो नंबर के हैं चौदह नंबर तो आपको यहीं पर मिल जाने इसके बाद में आपको दो क्वेश्चन ऐसे करने हैं जो आपको वन ट्वेंटी टू वन फिफ्टी वर्ड के अंदर आंसर करने रहेंगे तो दो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें एक आपका जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो डीप वॉटर इंडिगो जैसे चैप्टर से आया है दूसरा आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो आंट जेनेफर्स टाइगर से आया है मिक्सचर है आंट टाइगर और सोफीज मदर का एक्चुअली मैं इसी चीज का कहीं ना कहीं डर रही थी कि सीबीएसई ऐसा ना करे क्योंकि क्या होता है कि जब ये दो तीन चैप्टर के थीम्स को मिक्स करके क्वेश्चन देते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने तो उसके अंदर आंसर फ्रेमिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है पॉइंट्स भी जो है सीबीएसई ने दे दिए हैं तो हम लोग डेफिनेटली इसकी आंसर की भी डिस्कस करेंगे बट अभी अभी फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो जब ये दो थीम्स को मिक्स करते हैं तो हम आ, समझ नहीं पाते प्रिडिक्ट कर पाते कि कितने मार्क्स कहां पर एलोकेट किए गए होंगे और किस तरीके से मुझे फ्रेम करना पड़ेगा तो वो वाले क्वेश्चन थोड़े रिस्की हैं और वो इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में तो थोड़ा पे बच के रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको गोइंग प्लेसेज और आंट जेनिफर दोनों का थीम थोड़ा ध्यान में रखना है देन uh, इसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अः uh, अगेन दो आपके पास में ऑप्शन है एक ऑप्शन आया है आपके अः जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से और दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड से मेमोरी so, इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है पांच नंबर का क्वेश्चन है 120 से 150 वर्ड्स के अंदर इसकी uh, इसको लिखना रहेगा सो so, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने जब ये पेपर देखा तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि आपको एक तो राइटिंग सेक्शन पे थोड़ा फोकस ज्यादा करना पड़ेगा uh, आपको रीडिंग सेक्शन के लिए अपना स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा रीडिंग सेक्शन में अभी तक जो आप एमसीक्यू तैयार कर रहे थे अब आपको उसको शिफ्ट करके विद एमसी क्यूज और सब्जेक्टिव करना चाहिए सो so, वो आपको थोड़ा चेंज करना है राइटिंग सेक्शन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है ऐसे क्वेश्चन अच्छा नए वाले चैप्टर्स को और अच्छे से करना है और ऐसे क्वेश्चन ट्राई करने हैं जिनके अंदर मल्टीपल थीम्स uh, हो तो ऐसे वाले क्वेश्चन क्योंकि ये नए क्वेश्चन है एमसीक्यूज के अंदर स्टैंड अलोन एम को छोड़ दो वो आपकी कोई तैयारी नहीं करवा रहे हैं ज्यादा फोकस आप उन एमसीक्यूज पे करो जो एक्स्ट्रैक्ट से आ रहे हैं वो अलग तरीके के एमसीक्यूज होते हैं तो उनपे आपका फोकस अभी होना चाहिए एज ऑफ नाउ आपका स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए बिल्कुल भी भागना नहीं है आपके पास लगभग छह महीने एग्जाम में सो so आप क्या कर सकते हो अभी भी अगर आपने शुरू नहीं किया है तो अभी भी अगर स्क्रैच से एनसीआरटी से शुरू करोगे तो अभी भी आप हंड्रेड एम कर सकते हो सैंपल पेपर इतना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी इंग्लिश का जैसा पेपर शायद 2020 से पहले आता था वैसा अब इंग्लिश का लेवल नहीं रहा है हम लोगों ने टर्म वन के अंदर ऑलरेडी ये चीज देख ली थी कि कैसा सैंपल पेपर आया था और क्या ही लेवल का पेपर आ गया था सो so, वो जो है यहाँ पर रिपीट ना हो इसके लिए आपकी प्रेपरेशन भी उसके पार पे होनी चाहिए सैंपल पेपर एक एवरेज स्टूडेंट कर सकता है तो ऐसा मत सोचिएगा कि आ, बहुत ही ज्यादा आसान है या बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है क्वेश्चन आपने अभी देखे हुए नहीं होंगे इसके लिए थोड़ा अजीब लग रहा है बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम ये सारे के सारे चैप्टर्स और फॉर्म्स को कम्पलीट कर लेंगे Easy. Overall, paper थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग से करने का देखो, थोड़े हैं। और अगर रीडिंग सेक्शन को देखो तो उसके अंदर सब्जेक्टिव को एंटर, एंटर करवा कर बच्चों के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश की है एमसीक्यू पे बच्चा बहुत ईजी पे आ जाता है सब्जेक्टिव पे उसके दिमाग में फिर प्रेशर आ जाता है सो ये सब कुछ थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस कहता है मेरा आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि पेपर कैसा है पेपर इजी है डिफिकल्ट है आपको क्या अभी फील हो रहा है आपने पढ़ना शुरू करना है कि नहीं करना है अब सो so, वो मुझे बिल्कुल बताइए अपने थॉट्स सारे कॉमेंट सेक्शन में और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड डोंट गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय बाय